हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल वनी पिजनी। मेरा नाम है प्रियंका और मैं यहाँ जर्मनी में पिछले 10 सालों से रह रही हूँ। मैं यहाँ जर्मनी की लाइफस्टाइल के बारे में, ट्रैवल के बारे में और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ। तो आज का वीडियो का टॉपिक जो है थोड़ा सा अलग है कि हम इंडियंस बाहर रहते हैं, दैट टू इन जर्मनी, तो क्या वो चीज़ें हैं जो हम मिस करते हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, ट्रस्ट मी, लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ टॉप चीज़ों के बारे में जो हर इंडियन जो है यहाँ आने के बाद मिस करेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम इंडियंस मिस करते हैं वो है हमारा इंडियन फूड। यहाँ पर नो डाउट बहुत इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, बट वो टेस्ट नहीं है जिससे हमें खाने के बाद सेटिस्फेक्शन आए। जर्मन्स को इंडियन फूड बहुत पसंद है, लेकिन वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं, तो यहाँ पर फूड भी का स्पाइस लेवल जो होता है वो काफ़ी कम होता है। नो डाउट आप जाते हैं, वो पूछते हैं कि आपके हिसाब से थोड़ा स्पाइसी कर देते, लेकिन वो स्पाइस में वो टेस्ट नहीं होता जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर इंडियन फूड खाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो प्लीज़ अपनी एक्सपेक्टेशन को लो करके जाइए, क्योंकि वो आपको इंडियन टेस्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद सबसे ज़्यादा आपको लगेगा कि भाई लोग रोड पे नज़र क्यों नहीं आ रहे। ऑफ़ कोर्स यहाँ की पॉपुलेशन कम है, लोग बहुत स्कैटर्ड है, एरिया ज़्यादा है, तो आपको हर टाइम पर आपको रोड मोस्टली खाली दिखेगी। अगर वो समर टाइम है तो मे बी सिनेरियो बहुत डिफरेंट होगा, लेकिन स्पेशली बाकी टाइम सीजन में आपको रोड पर बहुत कम लोग दिखेंगे। तो शुरू में ये चीज़ आप फॉर श्योर मिस करेंगे कि यार यहाँ पर लोग ही नज़र नहीं आते। सोशल लाइफ ऑफ फ्रेंड्स, स्पेशली अगर आपका इंडिया में बहुत बड़ा सर्कल है, तो यहाँ आने के बाद आपको ये चीज़ शुरू में बहुत ज़्यादा मिसिंग लगेगी। यहाँ पर कल्चर बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर है, तो फ्रेंड्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इंडियंस यहाँ पर जर्मनी में बहुत सारे हो गए हैं, तो आपको इंडियंस भी बहुत मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर इंडियन एसोसिएशन आप कोई ज्वाइन करते हैं, जो टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ इवेंट्स करते रहते हैं, तो भी आपको बहुत सारे लोग जो है मिलेंगे जो आपके फ्रेंड्स बन सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है हमारे इंडियन फेस्टिवल्स का सेलिब्रेशन। फॉर श्योर आप इंडिया में नहीं हैं, तो इंडिया के जैसे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। यहाँ पर हर चीज़ बहुत शॉर्ट में करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिवाली है, तो ऐसा नहीं है कि आप रोड पे जाके फुलझड़ी एंड पटाखे चला दें। रूल के हिसाब से वो बैन है, कुछ पर्टिकुलर डेज पर ही अलाउड होता है। उसी तरीके से होली है, तो आपको कलर्स नहीं मिलेंगे सारे, और आप ऐसा नहीं है कि कहीं भी शुरू हो गए, अपने घर के अंदर या अपने आपके पास गार्डन है तो उसमें आप खेल सकते हो। तो हर चीज़ का लेवल जो है वो काफ़ी लो हो जाता है। इंडियन एसोसिएशन, जैसा कि मैंने बताया, वो भी सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज़ करती है, बट हर चीज़ एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में, रूल्स के अंदर सेलिब्रेट होती है। तो वो जो एक मज़ा जो होता है रियल सेलिब्रेशन का, फॉर श्योर वो आप मिस करते। नेक्स्ट चीज़ जो आप मिस करोगे वो है यहाँ पर डोमेस्टिक हेल्प या सर्विसेज, जो हमारे इंडिया में बहुत ही नॉर्मल है। हर किसी के घर में मेड लगी होती है, कुक लगा होता है, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती है। आपको घर के सारे काम A to Z आपको खुद करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, आप सर्विसेज बाहर से ले सकते हो, बट उसके आर्ली चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो नॉर्मली कोई नहीं लेता है, सब अपने काम खुद करते हैं यहाँ पर। सपोज़ अगर आप कोई फर्नीचर ऑर्डर करते हैं, तो उसके जो मेकिंग चार्जेस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं आर्ली बेसिस पे। तो नॉर्मली यहाँ पर सब लोग अपना फर्नीचर खुद बनाते हैं। हर काम को करने के लिए टूल्स यहाँ बहुत अच्छे मिल जाते हैं, तो ये सब काम करना इजी हो जाता है। मैनुअल्स जो होती है वो काफ़ी डिटेल्ड होती है। आई फील अगर हम इंडिया में होते तो ये सब चीज़ों के बारे में हम कभी सोचते भी नहीं। हम वहाँ कितने ब्लेस्ड हैं, ये चीज़ हमको यहाँ आने के बाद रियलाइज़ हुई है। इंडियन एंटरटेनमेंट, यहाँ पर आपको इंडियन मूवीज़ नहीं मिलेंगी जिस तरीके से हमको थिएटर में देखने की आदत होती है। यहाँ पर साल में 1, 2, maximum 5 मूवीज़ लग जाएंगी, दैट टू सिलेक्टेड वंस। दूसरी चीज़ इसी से जुड़ी हुई है टीवी। हम जब आए थे तब स्पेशली हमें बहुत प्रॉब्लम आती थी कि हम इंडियन चैनल्स कैसे देखें। थैंक गॉड अभी फिर भी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल है, तो उससे एटलीस्ट अब लाइफ थोड़ी सी आसान है कि हम इंडियन चैनल्स देख सकते हैं। बट ऑफ कोर्स आपको वो जो आदत होती है रिमोट के साथ कि मैंने एक बटन दबाया तो मेरा जी सिनेमा चालू हो गया, दूसरा बटन दबाया तो मेरा सेटमैक्स चालू हो गया, वो चीज़ अभी भी आप मिस करोगे। लेकिन अब नेटफ्लिक्स आ गया है, प्राइम आ गया है, बहुत सारे स्मार्ट टीवी आ गई है, तो अब शायद ये चीज़ें उतनी मिसिंग नहीं है, बट फॉर श्योर ये मिसिंग पॉइंट में बनता है इसको आना।
बेसिक जो लैंग्वेज है वो है जर्मन। सारी बुक्स न्यूज़पेपर मोस्टली जर्मन में होते हैं, तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर बुक्स पढ़ने की आदत है तो आप ये बहुत मिस करोगे। ऑफ कोर्स आप अमेज़ॉन पे आजकल हर चीज़ मिल जाती है, आप पसंद की बुक भी मिल सकती है, बट ऑफ कोर्स वैरायटी में हमेशा बहुत ज़्यादा आपको पेन होगा क्योंकि आप जो चाहेंगे वो आपको नहीं मिलेगा। डिजिटलाइजेशन अभी उतना ज़्यादा नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल लोग यहाँ पर अभी भी कैश कैरी करना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ जैसे पेटीएम आ गई है या गूगल पे है या अमेज़न वॉलेट है, ये सब चीज़ें यहाँ अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। लोग अभी भी डील जो है वो कैश से करते हैं या नेट बैंकिंग करते हैं या नॉर्मल हमारा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिसिंग लगती है मुझे, जो इतना ईजी हमारा यू नो पेटीएम की इंडिया में हमें ऐसी आदत हो गई है कि कुछ भी खरीदा, एक क्लिक किया, पैसे ट्रांसफर, इवन छोटे छोटे स्टोर्स में आप स्कैन करके अपना काम इजीली कर सकते हैं। इसके साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है, जैसे कि यहाँ पर पेपर वर्क बहुत होता है। अगर आप कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कोई भी चीज़ नया करते हैं, आप कोई भी नया अकाउंट खुलाते हैं, बहुत सारे पेपर्स आपके पोस्टल एड्रेस पे आएंगे, जो हमारे यहाँ काम इजीली वेबसाइट के थ्रू यू नो लैपटॉप के थ्रू इजीली हो जाता है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं होती है। तो ये चीज़ आप बहुत मिस करोगे क्योंकि ये चीज़ टेक्स लॉन्ग टाइम, हर चीज़ को एग्जीक्यूट होने में बहुत लंबा टाइम लग जाए। अगर आप एक लड़की हैं, जो बेसिक हमारे लाइफ का पार्ट होती है वो आप यहाँ पे फॉर श्योर मिस करेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, हमारे यहाँ पे पार्लर कैसा होता है, हर बैठे सर्विस मिल जाती है, वो चीज़ यहाँ नहीं है। यहाँ आपको अपॉइंटमेंट लेकर जाना होगा, वो सर्विसेज लेनी होंगी, और सम सर्विसेज बहुत कॉस्टली हैं, लाइक वैक्सिंग एंड फेशियल, ये सब चीज़ें काफ़ी कॉस्टली है। तो जो अगर आप इंडिया में ये चीज़ें रेगुलर बेसिस पे कराते होंगे तो यहाँ आपको खुद से वो सीखना होगा और खुद से ही करना होगा। जो हील्स पहनने का अगर आपको शौक है वो आपका यहाँ पे पूरा नहीं होगा, क्योंकि मौसम 6 महीने तो यहाँ ठंड रहती है, तो आप शूज़ ही पहनते हो। बाकी टाइम भी आपको वॉक बहुत ज़्यादा करना रहता है, हर जगह वॉकिंग ज़्यादा होती है। मे भी अगर आप पूरे साल में काउंट करें तो हार्डली आप मे भी 10-15-20 दिन उसका फन ले सकते हैं। एग्जाम्पल, आई रिमेम्बर कि जब मैं इंडिया में थी तो मैंने कभी शूज़ नहीं पहने, मैं हमेशा हील्स पहनती थी, और मैं जब यहाँ आई थी तो मैं उनको लेकर भी आई थी, बट उसके बाद वो हार्डली 1 या 2 बार यूज़ हुई है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर हील्स पहनना और ख़रीदना बंद कर दिया। कलरफुल क्लोथ्स यहाँ पर, मतलब ब्राइट कलर्स तो मतलब मिलते ही नहीं है यहाँ पे। मोस्टली लड़कियाँ जो है वो ब्लैक, ग्रे, वाइट ऐसे कलर्स पहनती हैं, और जो अलग स्पेशल कलर्स होते हैं वो भी बहुत सीज़न स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्रिसमस है तो आपको मार्केट में रेड ही रेड मिलेगा, या अगर स्प्रिंग आ रहा है तो मे बी आपको थोड़े पेस्टल कलर्स, फ्लावर प्रिंट्स मिलने लगेगी। लेकिन अगर आप सोचो कि यार मेरा तो डार्क ग्रीन पहनने का मन है या मुझे येलो कलर का कुछ ड्रेस चाहिए, वो बहुत लिमिटेड है यहाँ पर। ये सब चीज़ें बहुत रेयर है कि आपको किसी स्टोर पर मिले। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप मिस करोगे वो है आपकी फैमिली। फैमिली तो आप कहीं भी जाएंगे तो मिस करेंगे, लेकिन जर्मनी में ये मिसिंग फैक्टर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे बुलाने के लिए आपको उनके लिए वीज़ा लगवाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि आपको लॉन्ग टर्म वीज़ा मिल जाए, मिल भी जाएगा मैक्सिमम, हो सकता है कई केसेस में अगर आप शो करते हैं तो आपको 1 साल का वीज़ा मिल जाए, मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल जाए, बट स्टिल वो 3 महीने से ज़्यादा यहाँ नहीं रह सकते। तो आपका अगर मन है कि मैं अपनी फैमिली को यहाँ बुलाऊँ, मैं लॉन्ग टाइम उनके साथ यहाँ रहूँ, वो यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो या तो आप ही को यहाँ से वहाँ जाना होगा, या अगर आप उनको बुलाएंगे तो मैक्सिमम 3 महीने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यही वो चीज़ें हैं जो आप मिस करते हो, ये बहुत ही नॉर्मल है मिस करना। अब ये लाइफ है, जिसे जहाँ जब ले जाए। बाय।